एटॉमिक सिनेमा प्रेजेंट्स पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कज ऑफ ब्लैक पर्ल। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बेबी एलिजाबेथ बोट के किनारे खड़ी पायरेट्स का सॉन्ग गुनगुना रही होती है और पीछे से एक सैनिक आकर उसे ऐसा करने से के लिए मना करता है। दरअसल एलिजाबेथ ने पायरेट्स के बारे में सुन रखा होता है, वो उनसे मिलना चाहती है। तभी उसे एक बोट दिखाई देती है जिस पर एक छोटा बच्चा बेहोश पड़ा है। वो अपने पिता और सैनिकों को इसके बारे में बताती है। उस बच्चे को ऊपर खींच लिया जाता है। जब सबका ध्यान इधर उधर होता है तो एलिजाबेथ देखती है इसके गले में एक सोने का सिक्का है, जो कि ये दिखाता है कि यह एक पायरेट है। वो इस डर से कि सैनिक उसे मार ना दे, वो सिक्का अपने पास रख लेती है। अब हमें काफी आगे का समय दिखाया जाता है। अब एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है, उसके पिता उसे एक ड्रेस देते हैं जिसे पहनकर उसे कमोडोर नॉरिंगटन के प्रमोशन फंक्शन में जाना है। तभी नीचे विल टनर को दिखाया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड बनाकर लाता है और उसे गवर्नर को भेंट करता है। तभी एलिजाबेथ वहां आ जाती है। वो विल को देखकर बहुत खुश होती है, विल भी उसे देखकर खुश होता है। इधर कैप्टन जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो कि एक जहाज की सेल पर खड़ा है और पोर्ट रॉयल पर अपना पांव रखता है। वहां का मैनेजर उसे रोकता है और कहता है कि यहां नाव खड़ी करने के लिए चांदी के सिक्के के रूप में फीस देनी होती है। वो उसे 3 चांदी के सिक्के देता है और अपने नाम के बारे में भूल जाने को कहता है। अब जैक स्पैरो किसी जहाज को चुराने की फिराक में है। तभी पोर्ट रॉयल के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और इधर टाइट कपड़ों की वजह से एलिजाबेथ सांस नहीं ले पा रही होती है और समंदर में गिर जाती है। दूर खड़े जैक स्पैरो और दोनों सैनिक ये देख लेते हैं और जैक स्पैरो उसे बचाने के लिए समंदर में कूद जाता है। इधर एलिजाबेथ के गले में जो पायरेट्स का सिक्का होता है, जिसे कि मेंडालियन कहा जाता है, वो पानी में एक वेब क्रिएट करता है। जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बचाकर जहाज पर ले आता है और उसके टाइट कपड़े उसके बदन से अलग कर देता है, जिससे उसे सांस आ जाती है। इसी दौरान उसे वो सिक्का दिखाई देता है, वो उससे पूछ पाता इससे पहले कमोडोर और अन्य सैनिक उसे घेर लेते हैं। एलिजाबेथ कहती है इसने मेरी जान बचाई है। कमोडोर उसे हाथ मिलाने के बहाने उसके हाथ पर पायरेट्स का निशान देख लेता है। जैक स्पैरो अपनी वाकपटुता और चालाकी से एलिजाबेथ को गन प्वाइंट पर लेकर वहां से जैसे तैसे भागने में कामयाब हो जाता है। जैक स्पैरो किसी तरह सैनिकों से बचकर विल के घर में घुस जाता है, जहां एक शराबी के सिवा कोई नहीं होता है। वो शराबी नशे में धुत होता है। इसका फायदा उठाकर जैक अपनी हथकड़ी तोड़ लेता है, लेकिन जब विल आता है तो उसे शक होता है और यहां जैक और विल की लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद वहां पोर्ट रॉयल के सैनिक आ जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। मंडोलियन की वेब की वजह से पायरेट्स को पता लग जाता है और वो पोर्ट रॉयल पर हमला कर देते हैं और एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। विल टनर कमोडोर और गवर्नर से एलिजाबेथ को ढूंढने और ब्लैक पर्ल का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तो वह जैक स्पैरो के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें यहां से आजाद करवा सकता हूं। जैक स्पैरो एक बार के लिए मना कर देता है, लेकिन जब वो उसका नाम सुनता है तो अपना दिमाग चेंज कर लेता है और उसका साथ देने को राजी हो जाता है। अब ये दोनों डॉन्टलेस पर आते हैं और तलवार की नोक पर कहते हैं कि यह जहाज हाईजैक कर लिया गया है। सैनिक मदद के लिए चिल्लाते हैं, तभी पोर्ट रॉयल के सैनिक इंटरसेप्टर के साथ वहां आ जाते हैं। जैसे ही सैनिक डॉन्टलेस पर आते हैं, जैक और विल इंटरसेप्टर पर चले जाते हैं और डॉन्टलेस से कनेक्ट सारी रस्सियां काट देते हैं और इंटरसेप्टर, जो कि पोर्ट रॉयल की सबसे तेज जहाज है, उसे हाईजैक कर लेते हैं। अब उन्हें जहाज के लिए क्रू की जरूरत है, तो वह जैक स्पैरो के कुछ दोस्तों को टोर्टुगा नाम के एक आइलैंड से अपने साथ ले लेते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बाबोसा और उसके साथी मंडोलियन को एलिजाबेथ के खून में सना कर वापस बॉक्स को अर्पित कर रहे हैं। जैक स्पैरो विल को किसी भी तरीके की बेवकूफी न करने की हिदायत देता है और कहता है कि एक सही समय की प्रतीक्षा करो, लेकिन विल मौका देखकर जैक पर नाव की पतवार से हमला कर देता है। इधर बाबोसा मंडोलियन को एलिजाबेथ के खून में सना कर बॉक्स में डाल देता है, लेकिन इससे उनके श्राप में कोई बदलाव नहीं होता है। वो आज भी जिंदा लाश की तरह है, जो पूनम की रोशनी में एक कंकाल के रूप में बदल जाते हैं। बाबोसा गुस्से में लाल पीला हो जाता है और एलिजाबेथ को एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो दूर गिर जाती है। इधर विल जैक को बेहोश कर एलिजाबेथ को लेकर वहां से इंटरसेप्टर पर आ जाते हैं और जैक के साथियों को बोलता है कि जैक पकड़ा गया। इधर बाबोसा जैक को बंदी बना लेता है और इंटरसेप्टर का पीछा शुरू कर देता है। विल देखता है कि ब्लैक पर्ल उसके पीछे आ रही है, तो वो टॉप लोड करने के लिए कहता है। एलिजाबेथ नाव को घुमाने के लिए कहती है। इधर ब्लैक पर्ल भी पहुंच जाती है। अब दोनों जहाज बराबर में हैं और भयंकर गोलाबारी शुरू हो जाती है। बाबोसा के बंदर को मंडोलियन मिल जाता है और बाबोसा एक बार फिर से मंडोलियन पाने में कामयाब हो जाता है और वह जैक और एलिजाबेथ को एक सुनसान टापू पर छोड़कर विल टनर को साथ लेकर एक बार फिर से उसी तहखाने की तरफ चला जाता है। दोस्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में जानेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे।